संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, संविधान को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, तो हमने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया। और आज मैंने पर्सनली इस ट्रिपल तलाक के ऑर्डिनेंस को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मैं खुद पिटिशनर हूं, मैं खुद एक लॉयर हूं, तो मुझे लग रहा है कि अन्याय है, असंवैधानिक है, बैड इन लॉ है, इसलिए हमने हाईकोर्ट के रिट पिटिशन फाइल किया है। अब ये मैटर सुनवाई के लिए आएगा कुछ दिन में, और हमको यकीन है, उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करेगा। इस वक्त सेक्शंस पे, इसके मेरिट्स पे मैं नहीं जाना चाहता यहां पर, क्यों कर मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, सब जुड़ा है। लिहाजा अब जो भी आगे प्रतिक्रिया होगी आपके माध्यम से लोगों तक बताएंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर से बताना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो न्याय की, इंसाफ की बात करती रहेगी, और जो ये मुसलमान औरतों को हक दिलाने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। संविधान के दायरे में रहकर, कायदे कानून के दायरे में रहकर हम हमारी लड़ाई को जारी रखेंगे। तो मैं अपने पार्टी के प्रेसिडेंट जनाब असदुद्दीन ओवैसी की इंस्ट्रक्शंस पर डिस्कशन करने के बाद में ये फाइल किया है मैंने मुंबई उच्च न्यायालय के अंदर, हाईकोर्ट के अंदर, और हम इसको पूरी तरह से लड़ेंगे और कानून में बताएंगे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है ये।